शहर का, इलाके का या सूबे का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हाल आप देख रहे हो कि किस तरह का माहौल विपक्षी पार्टियों ने बना रखा है। उससे दर्शन जो इस जहन में आते हैं कि अमनो अमान ये सब मिलकर मिटा रहे हैं, घर वापसी के ढोंगी घर को जला रहे हैं। अब फूल क्या खिलेंगे मेरे वतन में यारो, वो खाद के जमीन में पौधे लगा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, खाद के जमीन में पौधे लगाने वाले लोगों से हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। ये विचार रुपये के सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या अच्छाई या बुराई। दो तरह के विचार इस देश में पनपने आए हैं। एक तो विचार है जो महात्मा गांधी के थे, जो मौलाना आजाद के थे, जो अंबेडकर के थे, जो इंदिरा जी के थे, जो राजीव जी के थे, और जो विचार आज सोनिया जी लेके चल रही है, और वही विचार महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण साहब लेके चल रहे हैं। और एक विचार है, और वो एक ही विचार है, सिर्फ नफरत की बात करना, नफरत फैलाना, अत्याय करना, और वो एक अब्दुल्लाह घोड़से के विचार। हमने यकीन करके 60 सालों से कांग्रेस के दामन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, खास करके माइनॉरिटी के लिए कहूंगा कि हमेशा से कांग्रेस के फेवर में रही है। और जाहिर सी बात है कि हमारी अपेक्षा है भी कांग्रेस से ही होगी, हमारे नेताओं से ही होगी। कभी कभी नजरअंदाजियां होती है, कई नजरअंदाजियां हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटी समाज, दलित समाज, पिछड़ा हुआ समाज जो है पार्टी से दूर होता जा रहा है। इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है दोस्तों, इसमें गलती है पार्टी पे बैठे अहदेदारों की, जिनकी गलतियों का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी तो आज भी वही है, पार्टी के सिद्धांत आज भी वही है, मगर इसमें जो लोग आगे बैठते हैं और अपने औहदों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से नजरअंदाज दलित कार्यकर्ताओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, सिख को, ईसाई को, जो सर्वधर्म समभाव का हम नारा देते हैं, और जब कुछ देने की बारी आती है तो हमें भूल जाते हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि मनोज सिंह नए अध्यक्ष बने हैं तो वो सबको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अशोक चव्हाण साहब ने काफी मेहनत और मशक्कत से पूरे मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में सचिन सावंत साहब भी है, इन्होंने एक संगठन का बांधने का काम पूरे महाराष्ट्र में किया है कि किस तरह से हम काम करें सभी लोगों को फिर से, जो हमारा खोया हुआ वजूद है और जो लोगों के पास से हमने विश्वास खो दिया है उसे किस तरह से हासिल किया जाए। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह, पिछले दिनों डॉक्टर बाबा साहब की 125वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया, और उसका मकसद केवल एक ही था। वो मकसद मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मेरा दिल कहता है, जो इस देश के हालात कहते हैं कि अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपने मुल्क की तहजीब और पहचान बचाओ, जो दर्जा देता है एक समान का हमको बाबा साहब का, वो संविधान बचाओ। आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की जरूरत है, आज हमें अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। मैं देशभर की आज बात नहीं करूंगा, आज मुमरा की ही वजह से बात करता हूं कि मुमरा में जिस तरह के हालात आए हैं, जैसे कि अभी अगर केनी साहब ने कहा कि कमिश्नर साहब ने बिना नोटिस दिए और बिना ये किए वो सब रोड वाइंडिंग कर दिए हैं, कि मीटिंग का आज मौजूद होना भी नहीं चाहिए था, मगर ठीक है, हमने जो मीटिंग ली बहुत ही सोच समझ कर ली है, मगर इस मीटिंग का एक मकसद भी होना चाहिए, आज एक मैसेज जाना चाहिए। मैं डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हूं, बहुत अच्छा काम कमिश्नर साहब ने किया, उनकी तारीफ भी करता हूं, मगर एक गुजारिश भी करना चाहूंगा। मैं गुजारिश करता हूं मनोज सिन्हा साहब को, हमारे नेता राजन केनी साहब को, कि कमिश्नर साहब के पास जाके आप खुद ही
भाई जिनकी आधी दुकानें तोड़ गई है वो तो अपना कैसे भी गुजारा कर ही लेंगे, है कोई बात नहीं, मगर जिसकी पूरी दुकान तोड़ गई है, जो पूरी जिंदगी की कमाई जिसके ऊपर उसका घर चलता है, वो क्या करेगा? उसके लिए दोस्त कदम उठाते हुए कमिश्नर साहब से उन्हें बधाई भी दी थी कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मगर इतने लोगों को आपने बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, उनकी रोजी रोटी के लिए आपने क्या सोचा है? आप उनके लिए एक आजीजाना रिक्वेस्ट करके यहाँ पर कहीं भी जगह हो तो वहां पर छोटे छोटे गाले बनाए जा सकते हैं, उस गाला देके कम से कम उसकी रोजगार रोटी को वापस दिलाने की आप कोशिश कीजिए। ये मेरी आजीजाना गुजारिश है, मैं भी वहां मौजूद रहूंगा, मैं भी आऊंगा उसके लिए। राजन केली साहब, मनोज सिंह साहब, मेरी गुजारिश है कि उमरा के लिए आप ये पहल कीजिए, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो रहबर हैं, उन्होंने तो मैंने सुना हूं कि अपना फोन भी ऑन कर लिया है। तो ऐसे भगोड़े लोगों को, ऐसे भगोड़े लोगों के लिए मुमरा के अवाम की आंखें भी खोलना जरूरी है कि कौन अपना है और कौन बनाया है। मैं मुमरा के ताल्लुक से चार विषय कहूंगा, आप भी और हकीकत की सच्चाई भी है कि खिलते चमन में खार का पौधा लगा दिया, खिलते चमन में खार का पौधा लगा दिया, गुलजी ने एक एक परिंदा उड़ा दिया। बर्बाद इस गुलिस्तान को किसने किया अनिस, बदलो उस बांटवा को जिसने बदल दिया। मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अनिस कुरैशी तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, आप छोटे से छोटे प्रोग्राम में बुलाओ, इंशाल्लाह हाजिर रहूंगा। और माइनॉरिटी के लिए जब भी कोई बात होती है, मैंने अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखी है, भले ही उसका नतीजा आज मैं भुगतता हूं क्योंकि पार्टी मुझे दूर रखती है, मगर हर बात तो मैं करता ही रहूंगा, क्योंकि मैंने ये ऐड कर लिया है कि ख्वाब खुशबू दवा वफा दूंगा, हक में मजलूम को सदा दूंगा, तुम अमीरों की रहबरी करना, मैं गरीबों को हौसला दूंगा। मैं जीऊंगा तो अपनी शर्तों पर, वरना खुद को जवाब क्या दूंगा? तो मेरा सभी मुझे जो गवाह करता है, जो कहने के लिए करने के लिए मैं हमेशा माइनॉरिटी घर के लिए बेबाकी से लड़ता रहूंगा, चाहे अपनों से ही लड़ना पड़े, मगर मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरे दोस्तों, अब संगठन जोड़ने का वक्त है, हमें नए अध्यक्ष के रूप में मनोज शिंदे साहब मिले हैं, तो इनके हाथों को हमें मजबूत करने की जरूरत है। पिछले जो नेताओं ने जो गलतियां की, आज हम वही दोहराएंगे तो हम हमारा संगठन कभी खड़ा नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है कि मुमरा में पार्टी ने ताकत नहीं दी, मुमरा में पार्टी ने मेयर दिया, मुमरा में पार्टी ने राज्य मंत्री का स्टेटस दिया, मंत्री भी बनाया, पैसे भी लोगों ने खूब कमाए, मगर वो अपना वजूद समझ नहीं सके, सिर्फ बंगले तक ही सीमित होके रह गए। तो मैं आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बंगले और ठंडे तक इस कांग्रेस को आप मत रखिए, इसे खुलेआम जो है मार्केट में लाइए भाई। सिर्फ मुमरा को थाना से अलग मत समझिए, थाना के अंदर भी आपकी हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र में भी आपकी हिस्सेदारी है, कोकण में भी आपकी हिस्सेदारी है, और हिंदुस्तान में भी आपकी हिस्सेदारी है। तो ये आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको निकल के बाहर आना पड़ेगा। मैंने अपनी कोशिश की जितना मेरे में हो सकता था, पिछले टाइम आप देख सकते हो, इस मुमरा से, सिर्फ मुमरा से 46 ACO मैंने दिए माइनॉरिटी के पैनल पर। भाई जो कार्यकर्ता था, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। मुमरा के लोगों की शिकायत थी तो थाना शहर का कार्य अध्यक्ष पद भी मैंने मुमरा में दे दिया, कई और होते थे काम करने के लिए, लेकिन नहीं, मुमरा की मांग थी। और मुमरा में मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है, और ये दोनों ब्लॉक में अल्पसंख्यक जो है एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा हुकूक जो है आपके बनते हैं, आपका हक है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, मगर उसके हक को लेने के लिए तो आप आइए, आप लोगों को जोड़िए, इंशाल्लाह जो गलतियां हुई उसे भूल जाइए, आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। राजन केली साहब जैसे यहाँ पर नेता तुम्हारे बीच में मौजूद है, मजबूत है, उनके हाथ मजबूत कर दिए यहाँ पर। मनोज शिंदे साहब से तो मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके हाथ मजबूत करने की हम कोशिश करेंगे, संगठन को फिर से खड़ा करेंगे। 6 महीना 7 महीने का वक्त हमारे पास है, अच्छे उम्मीदवार जो चुन के आ सकता है, अपनी अना को भूल कर हम ऐसे नुमाइंदे हम दे सामने पार्टी को जिसको हम चुन के ला सकें, लाओगे नहीं लाओगे, इंशाल्लाह वादा है। तो मेरे दोस्तों, मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ, एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पर
तूफान की तरह उठो है अभी वक्त, तुम बेदार हो जाओ, छा जाओ, फंसाओ मैं तूफान की तरह। अपने जज्बात की तर्जुमानी सलीम कुरैशी साहब कर रहे थे।